आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रिहान तारे के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है -1 या -इमरान, आईन की क्या ख्वाहिश है, क्या कहता है कानून, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मार्का, कौन होगा सिकंदर, कौन उठाएगा धांधली का शोर, कोरोना के बढ़ते केसेस, 4 माह बाद सबसे ज्यादा अमवात, कैसे होगा वायरस से बचाओ, जाती कारोबार या रोजगार, क्या है कामयाबी का मौसर हथियार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इस वक्त मुल्क की सियासत में जहां गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी दंगल के चर्चे हैं, वहीं ऑपोजिशन जमातों के हुकूमत मुखालिफ बयानिए में भी शिद्दत आ गई है। आज भी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सवात में मैदान सजाया, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित में अपनी इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज गुजारा। मरियम नवाज ने आज एक मरतबा फिर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि मैं इदारों को कहती हूं कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, अवाम से ना टकराओ, अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान से हट जाओ, जब तुम इमरान खान के पीछे से हट गए तो इस जान की हुकूमत 24 घंटे नहीं चल पाएगी। इदारों को कहती हूँ कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते, इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ ना टकराएं, अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ के गुज़श्ता रोज के इंटरव्यू के बाद ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ऑपोजिशन का असल मसला वजीर आजम इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से है, जबकि माजी में मरियम नवाज और नून लीग की क्यादत का बयान ये था कि उनका इमरान खान की बजाय उन्हें लाने वालों से मसला है। माजी में क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखें। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो, ये बड़ों की लड़ाई है। हमारी जंग इमरान खान से नहीं है के बाद अब बजाय लग रहा है कि नून लीग की असल जंग ही तहरीक इंसाफ से है और असल मसला ही वजीर आजम इमरान खान की रुख्सती है। लेकिन इमरान खान की रुख्सती का रास्ता क्या है? खुद बीबीसी को इंटरव्यू में मरियम नवाज ने दावा किया था कि आईनी और जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, मगर आईनी और जमहूरी रास्ते कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ऑपोजिशन के पास पहला रास्ता है पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, लेकिन यह भी अमली तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह नए इंतखाबात का इनेकाद या मिड टर्म इंतखाबात का ऑप्शन भी जेरे गौर है, लेकिन सवाल तो यह भी जन्म लेता है कि अगर आज इंतखाबात कराए जाएंगे तो किसे कामयाबी हासिल होगी। इसी हवाले से इंस्टीट्यूट ओपिनियन एंड रिसर्च ने एक सर्वे कराया है। सर्वे में 2000 अफराद की राय ली गई है, जिस दौरान सवाल किया गया कि अगर कौमी असेंबली के आज इंतखाबात कराए जाएं तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। इसके जवाब में 26% अफराद नून लीग को वोट देने का आइडिया दे रहे हैं, जबकि 25% ने तहरीक इंसाफ, 9% ने पीपल्स पार्टी और 3% ने JUIFA को वोट देने की हामी भरी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक में हुकूमत के अंदर है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च ने गुज़श्ता इंतखाबात के हवाले से भी सर्वे कराया था, जिसके नतज कमोपेश आम इंतखाबात में ऐसे ही देखे गए, जैसे गुज़श्ता इलेक्शन के नतज के बरक्स तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में अब 7% कमी आई है। ये सर्वे भी सामने आया है, 7% कमी वाकई हुई है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में। 2018 के इलेक्शन में PTI ने 32%, नून लीग ने 24% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13% वोट लिए थे, लेकिन नवंबर 2020 में PTI 25, नून लीग 26 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9% वोट्स पर आ गई। यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग मौजूदा आवामी सर्वेस के बाद मिड टर्म इंतखाबात की जानिब नहीं जाएंगी, जबकि मौजूदा माशी और सियासी हालात ने कबलज वक्त इंतखाबात या मिड टर्म इंतखाबात का इनेकाद होता दिखाई नहीं देता है। इसी तरह -1 फार्मूला भी कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि -1 का मतलब -इमरान खान और -इमरान खान का मतलब -तहरीक-ए-इंसाफ यानी हुकूमत का तख्ता उलट देना, और यह भी नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन दोनों कौमी मुकालमे की जरूरत पर जोर दे रहे हैं, नेशनल डायलॉग की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया जा रहा है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों इस मामले पर PDM के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस हवाले से दोनों का मौकिफ क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन तो देखा जाएगा, अभी PDM पे बैठ के हम बात करेंगे। जहाँ तक ये फौज से बातचीत की बात है, वो PDM एक प्लेटफॉर्म में अगर बातचीत करनी है वो प्लेटफॉर्म फैसला करेगा। अब मरियम नवाज इदारों को हुकूमत की पुष्पनाही से पीछे हटने का मुतालबा कर रही, बिलावल भुट्टो जरदारी भी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के नाकेद रहे। दूसरी जानिब
गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी एक टीवी इंटरव्यू में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि फौज कोई जमहूरी इदारा नहीं है जो अदम एतमाद के लिए तावुन करे। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट? आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो, इससे बड़ी गद्दारी क्या है? गद्दारी का केस आप प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद पार्लियामेंट के आईनी किरदार के हामी हैं। अपोजिशन जमातें भी आईनी रास्ता इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दे रही है, मगर सवाल उठता है कि अपोजिशन जमातों के पास कौन सा आईनी रास्ता मौजूद है? मरियम नवाज के पास हुकूमत हटाने का कौन सा रास्ता है? अगर नून लीग की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जंग नहीं है तो फिर माइनस इमरान खान का नारा क्यों बुलंद किया जा रहा है? सबसे अहम सवाल, इदारों से मरियम और बिलावल कैसे मुत्तफिक हुए हैं? इन तमाम तर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाल ही में ये कह रही थी कि हमारी असल जंग इमरान खान से नहीं बल्कि इमरान खान को लाने वालों से है, लेकिन अब यूं दिखाई देता है, मालूम पड़ता है कि जैसे सारी लड़ाई की वजह इमरान खान है। देखिए, इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी मकसद तो यही है, पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कौम को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हमसे पहले टाइम लिया कि हमें कुछ अरसे का टाइम दे दें, एक महीना दे दें, गवर्नेंस के इश्यूज समझ आती थी कि एक महीना ट्रांजिशनल फेज ठीक है, टाइम दे दें, अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, 6 महीने दे दिए, साल दे दिया फिर। लेकिन जो आवाम के हालात इस मुल्क की मईशत के साथ जो कुछ कर दिए उन्होंने, उसके बाद तो हम समझते हैं कि सारे मसले की जो जड़ है, क्योंकि जो आवाम इस वक्त सजा भुगत रही है और जो पुअर गवर्नेंस है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी है, इकोनॉमिक सिचुएशन बुरी है, बदतरीन है पाकिस्तान की तारीख में, इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। सर, पर पीटीआई ठीक कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यूटर्न ले लिया अपने बयानियों में। फौरी रेस्क्यू करना है, जो फौरी ट्रीटमेंट देना है, वो ट्रीटमेंट यही है कि इमरान खान से और उसकी हुकूमत से जान छुड़ा जाए इसको। सर, पीटीआई फिर ठीक कहती है कि पीएमएलएन ने अपने बयानिए से यूटर्न ले लिया? देखिए, उनके यूटर्न लेने से उनको सबसे ज्यादा इस बार की तकलीफ होती है कि हम अदारों के खिलाफ बात नहीं करते। जब अदारों के खिलाफ बात करते हैं तो वो प्रोवोक करते हैं, जब अदारों के खिलाफ बात नहीं करते तो भी प्रोवोक करते हैं कि अब अदारों के खिलाफ बात करें, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है सिचुएशन के। पीटीआई की बेनिफिशियरी है, अगर ये हमारी लड़ाई की बेनिफिशियरी पीटीआई है और पीटीआई उस बेनिफिट से फायदा उठाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि सिचुएशन खत्म हो, इसलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देती है और इसीलिए वो यही कहेंगे यू टर्न ले लिया, ताकि फिर से कोई प्रोवोक करें और फिर कोई हमारा बंदा गुस्से में और जज्बात में आगे कोई ऐसी गुफ्तगू करे जिसको फिर वो 4 दिन टीवी पे चलाते रहे, फ्लैश होती रहे। यानी पीएमएलएन ने तय कर लिया कि अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, इसका मतलब ये समझा जाए? देखिए, अदारों के खिलाफ पहले भी बात नहीं कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने जिन शख्सियात के बारे में गुफ्तगू की, वो नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर ये अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं कि मैं अदारों के खिलाफ तो बात नहीं कर रहा। उन्होंने हर जगह पे फौज को अप्रिशिएट करते हैं, तमाम अफसरान को अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जो जवान हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर उन्होंने जिस बात पे की और उन्होंने उसको क्लेरिफाई भी किया है कि मुझे बाकी इदारों में किसी से कोई इशू नहीं है, ना अदारे से कोई इशू है। तो इशू किससे सर? एक काम हुआ है और वो समझते हैं कि इसकी जो कौम जिसमें से गुजरी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक बात करें। और इस पर ये नहीं है कि डेथ कोई अब हरफे आखिर है, चीजें ठीक हो सकती हैं, ये नहीं है कि चीज एक अगर बिगड़ जाए तो उसका हल कोई भी नहीं है, सिर्फ उखाड़ पिछाड़। नवाज शरीफ साहब 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, वो बड़े सीजन सियासतदान हैं, उनको पता है कि कहाँ पे किस चीज को लेके आगे चलना है, कहाँ पे किसको रोकना है। यानी हालात के मुताबिक पाकिस्तान तरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की है। सर, अच्छा, हुकूमत को घर भेजना है सर, इमरान खान नहीं चाहिए। अब फौज के पास तो कोई आईनी और जमहूरी इख्तियार नहीं है इमरान खान को घर भेजने का या हुकूमत गिराने का, तो फिर आप फौज से कैसे कह सकते हैं कि खान साहब को घर भेजें? देखें, जो वो इंटरप्रिटेशन उसकी की जा रही है, वो सारी इंटरप्रिटेशन जो मरियम नवाज के इंटरव्यू की भी तोड़ के की जा रही है। उन्होंने कहा था कोई तरीकाकार होना चाहिए, हल किया गया तरीकाकार, आईनी तरीकाकार होगा, आवाम के सामने डाया होगा। अच्छा, सवाल बड़ा सादा सा है कि फौज के पास कोई आईनी और जमहूरी इख्तियार नहीं है हुकूमत को घर भेजने का, ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत कैसे जाती हुई दिखाई दे रही है? अगर आप ये कहते हैं कि जनवरी के अंदर हुकूमत चली जाएगी, मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो वो क्यों दिखाई दे रहा है आपको? आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो बड़ी वाजिया बात है, वो ये है कि अगर हम टेबल पे बैठ जाए और लेट्स से अगर हम कौमी असेंबली में अदम एतमाद का वोट स्पीकर के खिलाफ ले आते हैं,
ये अदम एतमाद का वोट वजीर आजम के खिलाफ ले आते हैं, तो हमारे उस अदम एतमाद के वोट को बिल्कुल मेरिट पे जो जमहूरी तरीकाकार है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। मैं आपको कहता हूं कि मैं लिख के आपको दे देता हूं कि ये बुरी तरह वो हमसे इलेक्शन हार देंगे, ये अपने लोगों को मुतमिन नहीं कर सके। यही तो हम कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड यही है ना कि हम अदम एतमाद ले आएंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। और ये बात आप किससे करेंगे सर, किसकी मौजूदगी में करेंगे, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं सर, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि मीडिएटर कौन होगा। कानून इजाजत देता है इस चीज की, कानून और आईन इस चीज की इजाजत देता है कि आप अदम एतमाद ला सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि उससे पहले हम टेबल पे बैठेंगे, उससे पहले बात करेंगे, कानून और आईन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप वार्ड से सियासी मामलात के ऊपर मुदाखलत की जो है उनको दावत दें। हम टेबल पे बैठ के सियासी जमातें आपस में बैठ के तय करेंगे मामला। तहरीक इंसाफ को भी हम कहेंगे कि आप आए इलेक्शन लड़ें, वजीर आजम साहब एतमाद का वोट लें, मेरिट पे लें, असूल तय करें कि कोई बाहर से किसी किस्म की मदद नहीं मांगेंगे हम और इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब तो मेरे ख्याल इसके लिए भी तैयार है, उनका स्टेटमेंट और रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि अभी इंतखाबात करा के देख लेते हैं कौन पॉपुलर है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि गवर्नमेंट फिर डिसॉल्व करें, कराएं इंतखाब। नहीं, वो तो आपने करना है ना सर। नहीं, वो कहते हैं इंतखाब करा के देख लेते हैं, ये हम, ये इमरान खान साहब ने कहा है ना, खान साहब की बात, यानी वो खुद ही अगर करे तो हो सकता है, ऑपोजिशन नहीं कर सकती। वो नहीं, वो खुद भी करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट को तहलील करते हैं और अपना रिजाइन करते हैं, असेंबली को खत्म करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं तो ठीक है, वो करवा लें इंतखाब अगर इतने कॉन्फिडेंट है। अभी तक उनसे बल्दियाती इंतखाबात तो कराए नहीं गए पंजाब में, किसी सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सके, रोज अदालतों में केस लगा होता है। अरे साहब मुझे बताएं सर, जो इंतखाबात जो है वो इतने डिले किए हैं सर, जो इस फ्लेक्सिबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टांस पे दिखाई दे रही है, क्या नून लीग ये सेंस कर रही थी कि अब आगे बंद गली है और पीछे खाई है, अगर अभी ये स्टेटमेंट ना दिया और थोड़ा सा स्टांस को ना बदला तो मामला खराब हो जाएंगे? मैं एक चीज वाजिया करता चलूं कि हम लोग पहले दिन से, हमारी जमात, हम लोग कोशिश कर रहे थे, यही हमारी कोशिश थी। देखिए, दो साल हमने इस हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में हर किस्म का तामझाम करने की कोशिश की, चाहे वो मलेशिया का हमला हो, या पाक भारत कृषि हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, चाहे वो कोई कानून साजी हो, हर जगह पे हमने बैठ के जो जमहूरी तरीका है रवायात के मुताबिक काम किया। और हम बिल्कुल टकराव और लड़ाई या इस तरफ जाने वाली ना हमारी जमात है और ना हम समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है इस इकोनॉमिक सिचुएशन में किसी भी टकराव का। तो हम अब बड़े वाजे हैं, हमने पहले भी ये बात नहीं की थी, और जो ये बात हुई ये जब बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया, अब देखिए हमारे गुजरा राना सनाउल्ला साहब के साथ क्या हुआ, शाहिद खाकान साहब के साथ क्या हुआ, मिस्टर इस्माइल के साथ क्या हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, ये तो हमारे सेकंड प्लेयर है मियां नवाज शरीफ, उनकी तो राजीव साहब कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहा है? ये एक तरफा सिग्नल है जो आप दे रहे हैं या दूसरी तरफ से भी कोई ग्रीन सिग्नल आ रहा है? देखिए, हम लोगों का कहीं पे कोई सिग्नल नहीं है, जो भी हमारा सिग्नल होगा वो पब्लिकली होगा, वो आप लोगों को बता के होगा और आपके सामने होगा, चाहे वो मिसाकिक जाटर और डेमोक्रेसी की शक्ल में हो, मामला तय पाए सियासी जमातों के दरमियान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा हमारे साथ मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम के अख्तिताम में अब चंद ही मिनट्स रह गए हैं, अगर ये कहा जाए तकरीबन दो घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। इंतखाबात के मुल्की सियासत में भी खूब चर्चे हैं, कामयाबी के दावे भी हैं और धांधली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत पर इल्जामात, जाली बैलेट पेपर्स और सरकारी प्रोजेक्ट्स के जरिए धांधली के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जो वफाकी हुकूमत पर हैं। इलेक्शन मुहिम की अगर बात की जाए तो इस सारी मुहिम के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासे फाल नजर आए, मुतहर्रक दिखाई दिए। उन्होंने तमाम अजला में बड़े इंतखाबी जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, अवामी इजमात से खिताब हुए। उन्हें यकीन है कि उनकी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब हो जाएगी, मगर आज इंतखाबी मुहिम के अख्तिताम पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी धांधली के इल्जामात किए हैं। वो क्या कह रहे थे वो आपके सामने रखें। पूरी दुनिया इस इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं, इन सिलेक्टेड वजीरों और वजीर आजम को समझ में शायद नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कहेगा कि जो भी नतीजे होगा इस इलेक्शन से, कि इस कैंपेन के दौरान इमरान के वजीर फिर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। हम नहीं चाहते कि ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, इसलिए हम जानते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हम जानते हैं कि अगर अब भी होश का नाखून ना लिया जाए, अब भी धांधली किया जाए, अब भी ये इलेक्शंस मुतनाज़ा हो, तो जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ वायलेंस का खौफ होगा, वो सूरत हाल भी बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबात में धांधली का शोर बुलंद कर रही है। नून लीग का इल्जाम है कि अगले उम्मीदवारों को दबाव में लाकर हमदर्दियां बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा।
और जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ा, जिसके कई अहम उम्मीदवार अपनी सियासी वाबस्तगियां तब्दील करके दूसरी जमातों में शामिल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन असेंबली फिदा मोहम्मद नाशाद, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हाजी हैदर खान और मोहम्मद इब्राहिम सनाई इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन उम्मीदवारों की जमात तब्दील करने की वजह मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इन हलकों में कमजोर हो गई है। शायद यही वजह है कि मरियम नवाज ने अपने तमाम इंतखाबी जलसों में लोटों को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि मरियम औरंगजेब भी वफाकी वज़रा की मुदाखलात उठाती रही। वोट चोर वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मंडला रही हैं। जब उनको पता होता है कि नवाज शरीफ जीत रहा है, जहां जहां उनको मुस्लिम लीग नून की फतह नजर आ रही होती है, जहां जहां उनको अवाम की फतह नजर आ रही होती है, तो वहां वो फिर उनका प्लान कामयाब नहीं होता नजर आता तो वहां धांधली करते हैं। हमारे 9 उम्मीदवारों को तोड़ के ले गए हैं। अब यहाँ जायजा लेते हैं कि ऑपोजिशन जमातें किन बुनियादों पर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद कर रही हैं। सबसे पहले धांधली की शिकायत हल्का दियामीर 2 से 1000 से ज्यादा जाली बैलेट पेपर्स बरामद हुए। ऑपोजिशन जमातों के मुताबिक हल्के में सरकारी मुलाजमीन की तादाद सिर्फ 700 है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 1791 बैलेट पेपर जारी किए। ऐसी शिकायत मुख्तलिफ इलाकों से भी मॉस्को से भी मौसूल हुई। एक और शिकायत गिलगित के इलाके कशरोट से मिली है, जहां वजीर आजम के नाम से मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है। आटे के थैलों से भरी गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। ऑपोजिशन जमातों ने इल्जाम आयद किया है कि वफाकी हुकूमत इसके जरिए वोट खरीद रही है। इसी तरह वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर और दीगर वज़रा की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। खुद वजीर आजम की जानिब से गिलगित को सूबाई हैसियत देने पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। जिला मांगते हो, ये लो, हो गया। आपने कहा कि आपको गर्ल्स और बॉय डिग्री कॉलेज चाहिए, मैं ऐलान करता हूं और ये भी बताना चलूं आपको, ये आप पे एहसान नहीं है कि इंशाल्लाह 3 महीने में, इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत होगी 3 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ OPF का एक बेहतरीन दफ्तर खोलेंगे, एक प्रोटेक्टर ऑफिस खोलेंगे और इंशाल्लाह टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से धांधली के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने भी अनोखी मंतक अपना ली है। उनका कहना था कि हम किसी को डंडे के जोर पर धांधली से रोक नहीं सकते हैं। वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। कैसे पता है वो कोई नुजूमी बैठे हैं या उनको इल्हाम होता है या वही आता है? तो ऐसा बस क्योंकि उनको पता है, देखो ना, कोई भी आदमी कोई ऐसा तालिब इल्म होगा जो इम्तिहान को हफ्ता रह जाएगा मेहनत, वो कहेगा कि मैं फेल हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ऑपोजिशन जमातों को इल्हाम हुआ है या वो नजूमी है, लेकिन आज वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी गिलगित इंतखाबात की पेशगोई कर दी है। पता नहीं उनके पास इल्म नजूम है या क्या हुआ है। शेख रशीद साहब नताइज से मुतालिक क्या कह रहे हैं जरा वो भी देख लीजिए। नंबर 1 पे PTI होगी, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी होगी, नंबर 3 पे आजाद होंगे, नंबर 4 पे अन होगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ना होना कल ऐसा ही रिजल्ट निकल आ जाए, कहेंगे जी वो तो धांधली हो गई है। शेख रशीद अहमद ने तो इंतखाबी नतीजे की पेशगोई कर दी है, लेकिन अवाम किसे मुंतखब करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का जायजा आपके सामने रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के अंदर कौन कौन कहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, सब आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। धांधली के इल्जामात, ऑपोजिशन की तवक्कुआत और हुकूमत के ऐलानात पर गिलगित के अवाम अपना फैसला तो इतवार को सुनाएंगे, लेकिन इन इंतखाबात का मुख्तसर जायजा आपके सामने पेश करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के नफाज के बाद होने वाले तीसरे इंतखाबात हैं। सदारती ऑर्डर 2009 के तहत इस खत्ते को नीम सूबाई हैसियत देकर 12 नवंबर 2009 को गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के पहले इंतखाबात कराए गए थे, जिनमें पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत मिली और पार्टी के सूबाई सदर सैयद मेहदी शाह गिलगित बल्तिस्तान के पहले वजीर आला मुंतखब हुए। असेंबली की 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 8 जून 2015 को गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के दूसरे इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब हुई। सूबाई सदर हाफिज हफीजुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे वजीर आला मुंतखब हुए। गुज़श्ता असेंबली की 5 साल मियाद
24 जून 2020 को खत्म हो गई थी और असेंबली की 24 जनरल नशस्तों पर इंतखाबात 18 अगस्त को होने थे, तहम कोरोना वायरस की वजह से 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी कर दिया गए थे। इस खत्ते का जायजा लिया जाए तो दिलचस्प आदाद शुमार सामने आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कुल आबादी 22 लाख से जायद है, जबकि कुल रकबा 72,496 मुरबा किलोमीटर है। गिलगित बल्तिस्तान 10 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें गिलगित, नगर, हंजा, स्कर्दू, खरमंग, शगर, इस्तौर, दियामिर, गदर और घांचे शामिल हैं। इलेक्टोरल रूल 2020 के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,45,361 है, जिनमें से 4,05,363 मर्द जबकि 3,39,998 खवातीन वोटर्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स के लिहाज से हंजा सबसे बड़ा हलका है, जिसमें वोटर्स की तादाद 43,603 है, जबकि 14,001 वोटर्स के साथ नगर 2 गिलगित बल्तिस्तान का सबसे छोटा हलका है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो वाहिद खत्ता है जहां शरह खानदगी सबसे ज्यादा है। गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक यहां खानदगी की शरह 85% से जायद है और खवातीन में खानदगी की शरह 70% से जायद है। जीपी असेंबली का जायजा लें तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली 33 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से 24 अरकान का बराह रास्त इंतखाब होता है, जबकि खवातीन के लिए 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 मखसूस नशस्तें हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के मुताबिक 23 हलकों से 326 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि एक हलका GPA गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2020 में हलका गिलगित 3 वो वाहिद हलका है जहाँ पोलिंग मुलतवी कर दी गई और अब यहाँ इंतखाबात नवंबर 22 को होंगे। उम्मीदवार के इंतकाल के बाद तहरीक इंसाफ के लिए इस हलके में सूरत हाल पेचीदा हो गई है। इस हलके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मकामी सदर जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाफर शाह इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पहले इस हलके में इंतखाबात मुलतवी किए और फिर इंतखाबात के लिए 22 नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी हलके कितने हैं, कौन सा उम्मीदवार किस हलके से ज़्यादा ताकतवर है, आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद भी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में कूद पड़ी है। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की तादाद हलका 5 नगर 2 और हलका 20 गजर 2 में सामने आई है, जहाँ से 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। इसके अलावा 4 हलके ऐसे हैं जहाँ उम्मीदवारों की तादाद 20 या इससे ज़ायद है। इसी तरह कम से कम उम्मीदवारों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान हलका 12, शगर और स्कर्दू के हलका 9 ऐसे हलके हैं जहाँ से सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन हलकों में कोई आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहा। बड़ी सियासी जमातों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान में उतारे हैं। अब इसका मतलब यह समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम 24 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हलकों GP5 नगर 2 और GP8 स्कर्दू 2 और गिलगित बल्तिस्तान हलका 12 शगर में मजलिस वादत मुस्लिमीन के साथ सीट एडजस्टमेंट किया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 22 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन इंतखाबात में अगर माजी की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो नून लीग ने भी 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है। उन्होंने तमाम इंतखाबी हलकों में जलसों, अवामी इज्तमात और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज समेत आला लीगी क्यादत भी इंतखाबी मुहिम में पेश रही है, जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा भी अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं। अगर उम्मीदवारों की तफसीलात का जायजा लिया जाए तो गिलगित हलका 1 से 25 है, हलका 2 से 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह नगर हलका 1 से 17, हलका 2 से 26 उम्मीदवार हैं। हंजा में 15 उम्मीदवार, जबकि स्कर्दू हलका 1 में 6, हलका 2 में 9, हलका 3 में 4 और हलका 4 में 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इसी तरह खरमंग से 10, शिगर में 4, जबकि इस्तौर हलका 1 में 12, हलका 2 में 22, दियामिर हलका 1 में 17, हलका 2 में 13, हलका 3 में 14 और हलका 4 में 9 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। गजर हलका 1 में 13 हैं, हलका 2 में 26 और हलका 3 में 20 उम्मीदवार मौजूद हैं। घांचा हलका 1 में 10 हैं। इसी तरह हलका 2 में 15 और हलका 3 में 5 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नतायज पर अपोजिशन जमातों के एतराजात सामने आ रहे हैं, जिससे इंतखाबी अमल मशकूक होता चला जा रहा है। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं, क्योंकि ये इंतखाबात तमाम सियासी जमातों के लिए इंतहाई अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद जो सियासी जमात इन इंतखाबात में कामयाब होगी वही पार्टी मुल्क में आइंदा इंतखाबात की मकबूल जमात बन जाएगी। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह स्टेटमेंट दी है कि GP का इलेक्शन जो जीतेगा वही मरकज में हुकूमत बनाएगा। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इस इलेक्शन के बाद अवाम कहना शुरू कर देंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाता है वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन को तमाम सियासी जमातों के लिए अहम करार दिया है, साथ ही वो इस पर एतराज भी कर रहे हैं कि इंतखाबात पर
اپوزیشن کے کچھ تحفظات ہیں، اپوزیشن کے اعتراضات ہیں۔ اب اپوزیشن کے اعتراضات کیا ہیں؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی گلگت میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو اپنی کامیابی کا یقین کیوں ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری منظور صاحب آپ کے وقت کے۔ سر، سب سے پہلے تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلگت بلتستان انتخابات کے اندر اگر جان ڈالی ہے تو بلاول بھٹو صاحب کی پریزنس نے ڈالی ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف یہ انتخابی میدان مارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز اینڈ پیپلز پارٹی کے نتائج کو ایکسیپٹ کرے گی؟ دیکھیے، اگر تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہو تو ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں، آپ ہمیں، ہم نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ ہم اپنی ہار کو تسلیم نہ کریں۔ لیکن اگر وہاں کا سارا پریس، تمام آزاد تجزیے یہ کہہ رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں 14 سیٹوں پہ آگے ہے اور 4 پہ وہ مقابلہ کر رہی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہم کنٹیسٹ میں، کون سی ایک سیٹ ہے؟ میں تو آپ کو گن کے گانچے سے لے کر آپ استور تک، میں تو آپ کو، اور دیامر تک، میں تو ایک ایک سیٹ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ایک سیٹ پہ کون کس کا ہے۔ 7 سیٹوں پہ ہمارا نون لیگ سے مقابلہ ہو رہا ہے، 7 سیٹوں پہ ہمارا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی اسی طرح سے 3-4 سیٹوں پہ مذہبی جماعتوں سے ہو رہا ہے۔ باقی کون سی جماعت ہے جس کا کینڈیڈیٹ ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے؟ چودھری صاحب، اگر نتیجہ آپ کی توقعات سے برعکس ہوتا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ توقعات کے برعکس ہوگا تو بلاول صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رزلٹ لے کر جاؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان الیکشن کو صرف الیکشن نہ سمجھے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ اگر آپ وہاں پہ فیئر الیکشن نہیں کراتے تو وہ سینسٹو ایریا ہے، آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ آپ ایسے ایریاز کے اندر بھی آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں کروا سکتے؟ ہوگا کیا، آپ نظر ثانی کی درخواست ہوں گی یا بلاول صاحب مطالبہ کریں گے کہ پھر حلقے کھول دیں؟ نہیں، دیکھیں نا، پہلی بات جو ہم یہ کہہ رہے ہیں، صرف ہم نے الیکشن کو اہمیت نہیں، ہم نے تو وہاں کے بہت ساری چیزوں کو، ایف سی آر کا خاتمہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا، وہاں پہ راج شاہی کا خاتمہ بھٹو صاحب نے کیا، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گندم اور تیل پہ سبسڈی بھٹو صاحب نے دی، ڈی پی نے پہلی بار لوگوں کو بانک پہ ووٹ کا حق کیا، گلگت بلتستان کو ہم نے شناخت دی، اور پھر اس کے بعد ایک پروونس جو ہے اس کا انٹرنل اٹانومی تھی، سارا کچھ دیا۔ اب ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ تو بڑی معصومانہ سی خواہش ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کرا دیں، اور اگر ریاست یہ نہیں کر سکتی تو پھر کیا کر سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بلاول صاحب نے آج بھی پریس کانفرنس کے اندر خدشے کا اظہار کیا کہ دھاندلی ہو رہے گی، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کچھ ایسے ہی خدشات لاحق ہیں۔ اب میں آپ سے جاننے میں اس لیے دلچسپی رکھتا ہوں کہ عام انتخابات 2018 کے بعد بلاول صاحب نے پہلی بار پارلیمان میں وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہا، تو کیا یہاں پر بھی جی پی الیکشنز کے بعد بھی بات صرف سلیکٹڈ حکومت پہ ختم ہو جائے گی، یا پھر اس کو فردر پرسو بھی کیا جائے گا جو 2018 کے عام انتخابات میں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، ہم تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشن سے ہم ہار جائیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ وہاں پہ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک نگر کا حلقہ ہے، ہمارا سٹنگ ممبر تھا جاوید خان، اب دو سگے بھائی ہیں، دونوں ایک کمپنی کے اندر دونوں ڈائریکٹر ہیں، اب پچھلا سٹنگ ممبر ہے جاوید خان، ایک بھائی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا، ایک ہمارا ہے، اب اس میں دیکھیں کہ ایک ہی اعتراض ہے دونوں بھائیوں پہ، فارم پہ ہمارے والے کے پیپر خارج ہو جاتے ہیں، اس کے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں نا کہ اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، مسلم لیگ نون ذات جماعت بھی اور پھر قیادت کی سطح کے اوپر بھی، دیور ویری سٹرکٹ اباؤٹ اٹ، بڑے سختی کے بیانیے کے اندر۔ نون کا جواب تو نون والے دیں گے کہ اگر ان کے کوئی تبدیلی آئی ہے یا کیا آیا، اس کا جواب تو سر جب مشروط کیا جاتا ہے کہ پہلے حکومت کو گھر بھیجیں تو اس کے بعد بات ہوگی، تو پھر جب فوج کو دعوت دی جائے گی، غیر آئینی غیر قانونی حکومت، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے گھر جائے گی سر حکومت؟ گھر چلی جائے گی صبح ہی، یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، صبح پی ڈی ایم، باقی پارٹیاں جو ہیں سر، آئینی اور جمہوری طریقہ کیا ہوگا گھر بھیجنے کا؟ آئینی طریقے، سارے آئینی طریقے ہیں، یہ گورنمنٹ گر جائے، اکثریت نہ رہ جائے، لیکن سر اسمبلی ٹوٹ جائے، یہ سارے آئینی طریقے، وہ تو ان ہاؤس ہوگا نا سر، وہ تو ان ہاؤس ہوگا نا سر، ہاؤس میں تبدیلی آئے گی نا، کیا ہاؤس میں تبدیلی لانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں سوچ رہی ہیں؟ میری بات تو سنے نا، ہم نے کہا سارے آپشنز کھلے ہیں، پھر یہ سوال کیسے آ گئے؟ استعفے دیں گے سر؟ استعفوں کا آپشن زیر غور ہے کہ فی الحال لینے جا رہے ہیں؟ فی الحال لینے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی۔ ایک جانب ملک میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے انتظامی معاملات، بالخصوص بیوروکریسی کے انتخاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھرپور ساتھ دیا۔ پنجاب میں بار بار آئی جیز اور چیف سیکرٹریز تبدیل کیے،
इंतजामी अफसरान के तबादले भी हुए लेकिन एक फर्द पर वजीर आजम आज भी काफी हद तक मुतमईन है और वो फर्द है CCPO लाहौर। लाहौर पुलिस के सरबरा के हवाले से वजीर आजम की क्या राय है, वो राय सबसे पहले आता है। क्यों हमने फैसला किया चेंज का, ये मैं आपको बताऊं। वहाँ मेरे भनोई हैं, उनके ऊपर को 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा, PIA सोसाइटी थी वहाँ कब्जा हुआ था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि देखें अब आपकी गवर्नमेंट है, और वह कब्जा ग्रुप था उसने कब्जा किया हुआ था। मैं कहूँ उनको, मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो छुड़वा दो। जी मेरे ब्रदर ने उन्होंने टेलीफोन किया कि जी साथ वाला मेरा हमारा है, उसके भी प्लॉट पर कब्जा था, वो यूसुफ, उसको वो कब्जा ग्रुप धमकियाँ दे रहा है। फिर उसकी मुझे आई कि जी वो उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि मार देंगे, और उसको शाम को गोली मार दी। तो फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि अगर ये लाहौर के अंदर ही हो रहा है तो वह बाकी पाकिस्तान, बाकी पंजाब में, तब मैंने फैसला किया चेंज का। और जब वो आया इसने आते साथ ही पकड़ लिया, ये जो नया CCPO है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि क्या लाहौर में सिर्फ कब्जा माफिया ही बड़ा मसला है, क्या लाहौर पुलिस का सरबरा IG पंजाब से ज्यादा काबिल और ताकतवर है, क्या वजीर आजम लाहौर में जराइम की बढ़ती हुई शरह से लाइल्म है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अपने TV इंटरव्यू में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाई है। वजीर आजम ने दावा किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान कर्जों से निजात दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएंगे और फिर दूसरों की मदद भी करेंगे। इस हवाले से वजीर आजम कौम को क्या खुशखबरी सुना रहे हैं, वो खुशखबरी भी देखिए। हमारे लिए हमारा मुल्क अल्लाह ने वो नेमतों से बख्शा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। और मैं ये भी आपको बता दूँ, ये ज़्यादा दूर टाइम नहीं है कि जब हमें कभी किसी के सामने नहीं हाथ फैलाने पड़ेंगे, बल्कि हम लोगों की मदद किया करेंगे। अल्लाह करे वो वक्त आए पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आज़म ने ऐसे ही कुछ ख्वाब हमें इंतखाबात से पहले भी दिखाए थे, ऐसी उम्मीदें माजी में भी हमें दिलाई थी, लेकिन हुआ क्या ये बताएंगे, पहले वज़ीर आज़म के वादे सुन लें। मैं ये कभी भी अगर पाकिस्तान के इक़्तदार में मैं बैठा हूँ, मैं कभी, मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा, ये मैं आप मुसलमान को साबित करके दिखाऊंगा। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने माजी में हसी ख्वाब दिखाए थे, लेकिन उनके 2.5 सालों के दौरान यानी मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्की और गैर की और गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। पाकिस्तान पर कर्जों का मजमूई बोझ 44,801 अरब रुपए हो गया है। मौजूदा हुकूमत के 2.25 साल में मुल्की कर्जा 14,922 अरब रुपए बढ़ गया है। ये माली बोझ GDP के 98.3% का है। मकामी कर्जों का बोझ 2.25 साल में 7,285 अरब रुपए बढ़ा है, जिसके बाद मजमूई मकामी कर्जों का हजम 23,701 अरब रुपए हो गया है। अब ये कर्जों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है, जो हमें कम से कम अपनी ज़िंदगी में कम होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि मीर रियासत अपना वादा पूरा करेंगे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुल्क में कोरोना केसेस की रफ्तार बढ़ क्यों रही है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे केसेस मस्बत आने की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है, जबकि रिकॉर्ड हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 36,923 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2,304 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में आखिरी मरतबा 17 जुलाई को कोरोना के एक रोज में सबसे ज्यादा 2,085 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाले ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस तरह पाकिस्तान में केसेस मस्बत आने की शरह 4 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 6.24% पर जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 37 अमवात भी रिपोर्ट हुई है, जो मुसलसल दूसरे दिन अमवात की बड़ी तादाद है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,092 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 3,52,296 तक जा पहुंचे हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे, जबकि आज पीपल्स पार्टी के रुकन सिद असम्बली जाम मदद अली कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। इसी तरह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी इस वबा से महफूज नहीं रह सके हैं, जबकि आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर पंजाब असम्बली के मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली के 7 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सवाल पैदा होता है कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं, कोरोना की पहली लहर दूसरी से ज़्यादा खतरनाक क्यों दिखाई दे रही है, क्या कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन ज़रूरी। इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन
डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर में हमारे यहाँ जो आदाद शुमार अब तक सामने आ रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक दिखाई देते हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर भी 30 से ज़ायद लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, और दुनिया भर के अंदर अगर जायजा लिया जाए तो जहाँ जहाँ भी हुआ है लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि इसका दूसरा हल तो है कोई नहीं, तैयार नहीं है, वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं हो रहा है, तो हम किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई 4,000 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे लॉकडाउन हुआ हुआ है पूरे मुल्क में, और रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग होती है, और जो इलाके ऐसे हैं जहाँ से कोरोना सामने आता है तो वहाँ पर इसको लॉकडाउन कर दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि अभी तक आवाम जो है उन्होंने इस जो संजीदगी है इस पूरे मामले की उसको रियलाइज नहीं किया। मैं कराची में हूँ और मैं देखा था आज दिन में भी के जो सड़क पे जो लोग जा रहे थे 5% या उससे कम लोग मास्क पहने हुए थे। डॉक्टर साहब, ये फेज कब तक आते हुए देख रहे हैं वैसे आप, कि हमें तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो सरते वो बंद करनी पड़े, ये फेज कब तक आता हुआ देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? ये उम्मीद है कि ना आए, मुझे तो यही दुआ है। अगर इसमें अगर लोग एहतियात करने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे तो ये मामला जल्द कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं इन्होंने एहतियात करी तो 3-4 हफ्ते के अंदर अगर बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है। अब देखिए ना, अमेरिका में 1,53,000 केसेस कल आए हैं, 1.5 लाख केसेस रोजाना हो रहे हैं, तो कुछ ममालिक में तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और बहुत तेजी से एक दफा ये एक सर्टन लेवल से आगे बढ़ जाए तो काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी यूरोप जो है वो इस वक्त पैरालाइज है, और वहां पे ज्यादातर जो इलाके हैं वो सील ऑफ हो रहे हैं बर्तानिया में और दूसरे इलाकों में। जितनी तेजी से म्यूटेशन हो रही है डॉक्टर साहब, तो फिर तो वैक्सीन की फराहमी के हवाले से और वैक्सीन बनाने के हवाले से बहुत चैलेंजिंग होगा। हमारे अभी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हो रहे थे वो कहाँ पहुंचे और कब तक वैक्सीन जो है वो दस्तयाब होने के इम्कान आपको दिखाई देता है? यहाँ पे जो दो कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही हैं, कराची यूनिवर्सिटी में यही जिसका इदारा मैंने जिक्र किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, और दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और दोनों ट्रायल जो हैं बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी, चाइना के अलावा और इलाकों में भी बहुत कामयाबी से हुए हैं। तो ये बहुत बेहतर है वैक्सीन उस वैक्सीन से जिससे फाइजर ने अभी ऐलान किया। लेकिन वो वैक्सीन मिलेगी कब डॉक्टर साहब? ये तकरीबन 6 महीने लगेंगे, आपको 6 से 8 महीने लगेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए, वो जो अप्रूव कर लें रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाए और फिर इसी दुनिया के ममालिक में अवेलेबिलिटी हो जाए। तो अगले साल गर्मियों तक से पहले कोई अपना आपके पास दवाई है ना वैक्सीन है, आपके पास सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस हैं कि आप एहतियात बरतें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस का शिकार होकर कई रोज ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से अदलिया एक बेबाक और निडर जज से महरूम हो गई है। उन्होंने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए बिला खौफ व खतर फैसले सुनाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ का शुमार खैबर पख्तूनख्वा के उन जजेस में होता था जिन्होंने इंतहाई अहम मामलात में फैसले दिए हैं, और पेशावर के वकला इन फैसलों को बोल्ड फैसले समझ रहे हैं। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने ऐसे अफराद के मुकदमात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जो माली हैसियत नहीं रखते थे, या ऐसे मुकदमात को तरजीह देते रहे जिन मुकदमात में आम तौर पर अदालतों में ताखीर होती रही है। इसके अलावा जस्टिस सेठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के बड़े मंसूबे BRT या बस रैपिड ट्रांजिट के बारे में वफाकी तहकीकाती इदारे को हुक्म दिया था कि इस बारे में तहकीकात मुकम्मल करें और रिपोर्ट 45 दिन के अंदर पेश की जाए। जस्टिस वकार अहमद सेठ इस खसूसी अदालत के भी रुकन थे जिसने साबिक सदर परवेज मुशरफ को आइन शिकनी के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई थी। ताहम इस फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत की तश्कील को कालेदम करार दे दिया था। जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर वकला बरादरी, कानून के तालिब इल्म और आज़ाद हामी पाकिस्तानी इंतहाई दुख में मुब्तला हैं, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को भी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए कौन सा रोज़गार ज़्यादा बेहतर है, इस मामले को उठाएंगे। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद, खुसूसन डिग्री रखने वाले बेरोजगार अफराद के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। डिग्री रखने वालों में बेरोजगारी की शरह दीगर मजमूई तौर पर बेरोजगार अफराद के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है।
क्योंकि मुल्की मईशत डिग्रियों के मुकाबले में रोजगार फराहम करने से कासर है। यही नहीं बल्कि IMF ने भी रवा माली साल के दौरान मुल्क में बेरोजगारी में इजाफे की पेशगोई कर रखी है। कौमी लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता माली साल की नस्बत रवा माली साल के दौरान बेरोजगारी की शरह में 4.08% इजाफा हुआ है। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता 10 सालों के मुकाबले में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 38% बढ़ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.45% है। आलमी इदारे इस शरह में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नौजवान आगे बढ़ने के लिए क्या करें, मुलाजमतों के मौके तलाश किए जाए या फिर बेहतर रोजगार की जानिब बढ़ा जाए। नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार कौन सा है ये तयन करना भी बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है। तमाम तर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वक्त मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर आज़ाद चायवाला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब आपके वक्त के लिए। हमारी टीम जिस वक्त आपके यहाँ पहुंची है तो वो चाय का कोई स्टॉल ढूंढते रहे, खोखा ढूंढते रहे जहाँ पर आप मिलेंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि नहीं असल में तो ये मल्टी मिलियनर आदमी है और ये एंटरप्रेन्योर है बेसिकली और बिजनेस आइडियाज पर बात करते हैं। तो ये कैसे एक तरफ मल्टी मिलियनर और दूसरी तरफ चाय वाला? चाय वाला मल्टी मिलियनर नहीं हो सकता। कोस्टा वाला लोग थे वो कॉफ़ी से उन्होंने बेची है, स्टारबक्स कॉफ़ी बेची है, चायखाना देख लें उस पर कौन जाते हैं, यू नो हु गो देयर, और वो लोग कितना पैसा कमाते हैं। मेरा सारा प्रेमिस शुरू हुआ कि लुक मुझे गरीब नहीं रहना, सो आई पुश्ड माई सेल्फ मैंने टाफियाँ बेचना शुरू की एंड आई सोल्ड बिन बैग्स, लाइटर्स, चॉकलेट, टॉयलेट रोल्स, और एट द एज ऑफ 21 मैं मिलियनर बना और मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी सौखी हो गई है एंड आई वॉन्ट द सेम थिंग फॉर एवरीबडी। सो इफ अ चाय वाला कैन डू इट, वाई कॉन्ट एवरीबडी एल्स? यानी एक चाय वाला भी मल्टी मिलियनर हो सकता है, ये मैसेज आप दे रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आज़ाद साहब 100% बात यह है कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह बतदरीज बढ़ रही है, उसमें बहुत बड़ी तादाद यंगस्टर्स की है, यूथ की है, जिनका बहुत बड़ा इशू है ये। आप के पास ऐसा क्या नुस्खा है, वो नुस्खा कीमिया क्या है कि यंगस्टर्स को आप इस मुश्किल से आजाद कर सकें? मैं जो जिस पाथ पे उनको लगाया गया उनसे हटा रहा हूं, दैट पाथ इज नॉट वर्क फॉर अस। नंबर वन के हमें बताया जाता है कि चाय वाला हकीर चीज़ है, दर्जी जो काम करता है वो हकीर है, एंड हमें हकीर और यानी हमें इज्जत चाहिए, बट इज्जत मिलती है जो बंदा कीमती होता है, जो मेहनत करता है, तो मैं उनको कीमती बनाता हूँ। हमें एजुकेशन के नाम पे रट्टा बेचा जाता है एंड आई टीच दे, मैं कहता हूँ स्किल पे आओ, सो पहले आता है एजुकेशन। एजुकेशन जब बंदा सीख लेता है तो वो फिर स्किल्ड हो जाता है, तो जब वो बंदा स्किल्ड हो जाता है तो वो कीमती हो जाता है। जॉब मार्केट के अंदर जॉब प्लेसमेंट क्या सीखे ऐसा जिसकी मार्केट हमारे यहाँ है पाकिस्तान में इस वक्त आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, तो फिर आप यंगस्टर्स को क्या कहेंगे कि कौन सा स्किल लें? अव्वल तो मैं पुश करूंगा इनटू आईटी। आईटी आपको फटाफट आप सीख सकते हैं, विद इन 2 मंथ्स यू कैन बिकम अ प्रोग्रामर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यूनिवर्सिटी से निकलता है उससे बेहतर 2 महीने में हो सकते हैं, जो कोई भी डिग्री लेता है उससे बेहतर हो सकते हैं। सो 2 मंथ्स आईटी के कुछ स्किल सीखे, 2 मंथ में ऑलमोस्ट तकरीबन हर स्किल सीखा जा सकता है। वास्ट डिमांड है दुनिया में, मेरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, हज़ारों ऑफिसेज खाली पड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में आप फ्रीलांसिंग करो, विद इन 2-3 मंथ्स आप फॉरेन करेंसी में कमा सकते हो, नॉट इन रुपीज़, फॉरेन करेंसी में घर बैठे। सो दैट इज़ द थिंग जिसको मैं सबसे ज़्यादा पुश कर रहा हूँ। सेकेंडली आई एम पुशिंग पाकिस्तान इन टू मैन्यूफैक्चरिंग, कोई चीज़ बनाओ, बनाने में बड़ा मजा आता है। बिजनेस करने के लिए पैसे दरकार होते हैं, क्या बिजनेस करने के लिए वाकई पैसे चाहिए होते हैं, पैसे से बिजनेस होता है? नहीं, मैंने एक सक्सेस स्टोरी हालिया में कवर किया, बंदा 30,000 रुपीज़ से फट्टे से उसने शुरू किया अपना कपड़े बेचना, दिस वॉज 5 years ago, डिग्री पोज की, उस पर 20 लाख लगा दिया वालदेन ने, लेकिन जब वो काम पे आए, बिजनेस पे आए तो दे वर नॉट दैट हेल्पफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह टुडे मेजरली सपोर्टिव है। आज वो बच्चा 7,000+ जोड़े सीता है एवरी डे, 500+ गरों का चूल्हा चलता है उसकी वजह से। अगर 30,000 रुपये भी नहीं है, किसी के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, बेचारा खाली जेब के साथ है, तो इसका मतलब बिजनेस का ख्याल सोचते छोड़ते फिर वो सोचे ही ना ऐसा? नहीं नहीं नहीं, आप पेंटर बन जाओ, आप पेंटिंग सीख लो, आप कोई स्किल सीख लो यार, आप वन मैन बिजनेस बन जाओगे। आप किसी के पास जाओ, जी मैंने पेंटिंग करनी है, वो आले वगैरह सामान आपको दे देंगे, एंड देन योर एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस हो जाएंगे, आप स्किल्ड हो जाएंगे। तो यस, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार, यू नीड 500,000 तो आपको चाहिए ही होगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुझे किसी ने कहा था कि आपसे ज़रूर पूछे, बात यह है कि बिजनेस आइडिया ये कहाँ से आता है, मतलब आपके पास पैसे भी हैं सब कुछ है लेकिन आइडिया आपको नहीं पता है कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है, मुल्क के मारूजी हालात के मुताबिक किस कारोबार में कदम रखें तो चांदी हो जाएगी, तो ये बिजनेस आइडिया कैसे सोचा जाता है? किसी
किसी में भी। असल में मैं किसी के गले में घसीटता डोंसता नहीं हूँ बिजनेस आइडियाज़, बिकॉज हर बंदे का पैशन, हर बंदा जिस काम के लिए बना होता है अल्लाह ने बनाया वो मुख्तलिफ होता है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे आपको किस चीज़ में पैशन है, फिर उसमें पैसे बनाने की कोशिश करें। पीछे मेरे बाजियाँ लगी हुई हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चाय बेच रहा है, यहाँ पे वो सैंडविचेस बेच रहे हैं, उनको सैंडविचेस बेचना अच्छा लगता है। पीछे बच्चा है उसने यार मास्क उठा लिया, 5 रुपये का लेता है और 4.5 रुपीज़ का लेता है, 30 रुपये का यहाँ पर बेच रहा है। चंद कदम आगे मैंने बंदा देखा रेवड़ियाँ दाल ड्राई फ्रूट्स पैक करके 5 रुपीज़ का 10, 20 का 40 बेच रहा है। बिजनेस आपके सामने है, आगे है, ये थोड़ा बहाना होता है यार, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड, हर चीज़ बिक सकती है, हर चीज़ की डिमांड है, लाखों आइडियाज़ हैं दुनिया में, बट यू हैव टू फॉलो योर पैशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर आज़ाद चायवाला हमारे साथ मौजूद थे। बॉटम लाइन यही है कि कोशिश करना शर्त है, सफ़र का आगाज़ करना शर्त है, तभी मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। ये तो था आज का दस्तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।